देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश में एक तरफ कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लोग ज़्यादातर जो है राज्यों में लॉकडाउन लग गया है, कुछ जगहों पे आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है और इस सब के बीच पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 20 पैसे बढ़ा। दिल्ली में पेट्रोल की आज की कीमत 91 रुपीज़ से ज़्यादा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये रेट देखिए और किस तरह से लोग इस बात से नाराज़ हैं कि वैसे ही कोरोना महामारी चल रहा है, लोगों का काम धंधा बंद है, बहुत सारे लोग आधी सैलरी में काम कर रहे हैं, कई लोगों के रोज़गार बंद हो चुके हैं, कई जगहों से नौकरियां जा रही हैं। और इस सब के बीच में एक बार फिर बंगाल चुनाव खत्म होते ही पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में परेशानी है। हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उनको प्रभावित हो रहा है। आप बताएंगे सर? हाजी बढ़ा दिए, हम लोग को तो चलना भी मुश्किल हो गया है, ऐसे स्थिति हो गया है जीरो पेट्रोल का। और ये जो है सब कुछ का रेट बढ़ते जा रहा है, चलाएंगे कैसे, हम लोग खाएंगे गरीब आदमी कैसे। सरकार तो ये सबको बर्बाद कर दिए है, एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, हाँ काम धंधा नहीं चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ऐसी बीमारी है फैला हुआ। अब 2 बजे रास्ते गए हैं, अभी आ रहे हैं, 200 रुपये अपने काम करके आ रहे हैं गाजीपुर फूल मंडी से जी, काफ़ी परेशानी है। तो साफ तौर से चाहे ये हो या और बाकी लोगों से जो हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, उनका यही कहना है कि ऐसे वक्त में सरकार को ये देखना चाहिए था कि लोगों के जेब में पैसे डाले जाएं, ना कि उनके जेब से पैसे निकाले जाएं। जिस तरह से इस लगातार 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और एक तरफ जिस तरह से महामारी बढ़ती जा रही है, लोगों को वैसे ही स्वास्थ्यों पे और लोग वैसे ही स्वास्थ्य सेवाओं पे पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, कोरोना की वजह से उनको बीमारी पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सर आप बताएं, दाम बढ़ रहा है पेट्रोल के, क्या कहना है? कहना यही चाहेंगे, पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दाम बढ़ेंगे, ये कच्चा तेल बाहर से ले रहे हैं उस पर GST वो तो दाम तो आम जनता पे पड़ता है इसका जोर, पूंजीपतियों को इसका फर्क थोड़ी पड़ता है, बिजनेसमैन को, मिडिल क्लास आदमी तो इसमें रोटी के लिए मोहताज है। आजकल का कोरोना काल ऐसा चल रहा है, लोगों के धंधे नहीं है, चलो हम तो सैलरी पर्सन है, गवर्नमेंट है, हमको तो मिल रहा है, बाकी जो खर्च बाहर तो पड़ ही रहा है, उस पर अब क्या कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस बारे में कि इतना दाम बढ़ रहा है और चीज़ों को हटा के इस पर थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। तो सीधे तौर पे चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों या सरकारी नौकरी के लोग हों, सर्विस क्लास के लोग हों, सबके जेब पे इस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उसका असर पड़ रहा है। और सबका यही कहना है एक ऐसे वक्त में जब महामारी का दौर चल रहा है, लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से उनको कोई राहत दी जाएगी, सरकार की तरफ से उनके जेब में पैसे डाले जाएंगे, कोई सरकार की ऐसी स्कीम होगी जिससे लोगों को ये महसूस हो कि सरकार उनके साथ है, सरकार इस संकट की घड़ी में अपने लोगों का ध्यान रख रही है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमण के मामले, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या पूरे मुल्क की बात करें, 4 लाख से ज़्यादा केसेस आज भी हुई हैं। और ऐसे दौर में जब लोग घर के अंदर हैं, रोजी रोटी छिन रही है, रोजगार छिन रहा है, और उस सब के बीच में ये पेट्रोल और डीजल के जो मीटर हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखना है कि इस संकट की घड़ी में जिस तरह से ये दाम बढ़ रहे हैं और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसका एहसास सरकार को होता है या नहीं, ये देखना होगा। बहरहाल पिछले 3 दिनों से जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि चुनाव खत्म हो गया, इंतजार सिर्फ इस बात का था कि चुनाव खत्म हो और एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम अब फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। सर कहना यही चाहेंगे कि सरकार जो है सो रही है, इस समय बंगालों में जाकर के रैलियां निकाल रहे हैं
और जो वहाँ कोरोना नहीं लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के लिए कोरोना हो रहा है, उसके बाद जो असूल किससे हो रहा है, तो पब्लिक से हो रहा है। जो पेट्रोल पे दाम बढ़ाओ, गैस पे दाम बढ़ाओ, हर चीज पे तो रेट ही बढ़ रहा है। जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जेब पे जो है बहुत असर पड़ रहा है। 100 रुपये का कमाई नहीं होता है, 200 का पेट्रोल लगता है, और जो है अभी जो है 92 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, इसको क्या किया जाएगा? आप जो लोग जो है मीडिया वाले जो है सरकार की तरफ पहुँचाओ इसको। सरकार तो जो है कान में रुई डाल के तेल डाल के सो रही है। सरकार को इससे पब्लिक मर रहा है, इसको जो है चिंता नहीं है, लेकिन जो है आम आदमी को परेशान करने की वो चिंता सरकार को लगी है। सरकार से यही कहना चाहते हैं जो इस पर रोक लगाए, और क्या कहूँगा इसके लिए। सर गरीब आदमी करेगा क्या? हफ्ते में एक बार डलवाता है तेल, अब क्या करेगा? 100 का 50 का बस लॉकडाउन है, कहाँ से लाएगा? बैंक बंद हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करेगा इंसान? भाई यही कहना चाहूँगा मैं। बढ़े जा रहे हैं सर पेट्रोल के दाम, तो कम तो नहीं हो रहे, कम होने की वजह बढ़े ही जा रहे हैं, होने चाहिए कम। इस टाइम तो बल्कि कम होने चाहिए, इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं। सर यही कहेंगे सरकार से कि कम से कम दाम तो कम हो, वैसे कोरोना की मार भी है और वैसे भी काम भी नहीं है, लोग परेशान हैं उसी चीज़ को लेके, बिल्कुल कम होने चाहिए। सारी चीज़ें हैं सर, लॉकडाउन भी है, बंदा वैसे परेशान भी है लॉकडाउन के अंदर, काम धंधे वैसे ही नहीं है, ऊपर से पेट्रोल की मार, तो क्या करें? सैलरी है, लोग सैलरी आधी सैलरी में काम करना पड़ रहा है, उसके बावजूद ही पेट्रोल। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। मियां रफीक मोहम्मद, सारिया थामा तो मायूस अते निराश होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी। सब तो पहला काम करन दा वायदा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनबन जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जल्द तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। मोबाइल 84374 94 647 84374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका इक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 045 85 588 38 617।